ब्लॉक मेरा साहिब से भाजपा उम्मीदवार का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्लॉक मेरा साहिब से DDC चुनाव के लिए विद्या मोटन के उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को पार्टी कार्यालय मानचित्र कार्यक्रम के दौरान मोटन का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। गाँव कोरिया स्थित पार्टी कार्यालय मानचित्र कार्यक्रम के दौरान पार्टी के जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। विद्या मोटन, भाजपा ने जो मेरे ऊपर एक विश्वास किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ और मेरी जो टीम है वो मेरे साथ है। हम मिलकर सब काम करके हम लोग इस सीट को जीतकर उनकी झोली में डालेंगे और मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि सब मिलकर मेरा साथ दीजिए और मैं सबके साथ सब मिलकर सभी काम जो मेरे लायक हैं मैं सबके साथ करूंगी, सबका काम। जिला कार्यालय में जैसे आप सबने रात को ही सुन लिया था कि हमारे एक चीज जो कि इसकी अनाउंसमेंट हुई है मेरा साहब से, हमारे जो प्रत्याशी की जो घोषणा की गई है मैडम विद्या मोटन जी, जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, हमारे साथ काफ़ी पिछले समय से काम कर रही हैं और मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो विश्वास इस जिले पर रखा हुआ है, जो हमने उनको जैसे हमने किया वैसे उन्होंने किया है कि एक आम कार्यकर्ता को भी ये सम्मान दिया गया है कि जैसे एक मैसेज जाएगा कि जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपना कार्य कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनके ऊपर पार्टी हमेशा निगाह जमा के रखती है और वक्त आने पर उनको पूरे मान सम्मान के साथ इलेक्शन में भी लड़ाती है और साथ को उनका मान सम्मान विश्वास रखते हुए पार्टी का जो कद बड़ा करने में इनकी जो भूमिका रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी पूरी टीम लगकर जो माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और जितना भी हमने कार्य किया जो हम आगे करने वाले हैं लोगों के बीच में जाके, माननीय मोदी जी जो हमने लोकल मुद्दों के ऊपर हमने काम किया है, कोविड में काम किया है, जहां लोगों में और विशेष मुद्दे रहेंगे ये आपके सामने हम वक्तन पर रखते रहेंगे और सभी को साथ लेके सबका साथ सबका विकास और विश्वास के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये जो सीट हमारी जहाँ की 5 सीटें हैं मेरे जिले में, 5 की 5 सीटें हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल देंगे ताकि जहां का जो हमारे 20 जिले हैं 20 जिलों में हमारे चेयरमैन बनेंगे और लोगों के जो डेवलपमेंट के जो रास्ते खुलने वाले हैं ये सभी को पता चलेगा। जो 3-टायर सिस्टम है माननीय मोदी जी ने पावर दी है पंचायतों को एम्पावर करने के लिए, उसकी इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और लोगों के बीच में दमखम के साथ लक्षण को हम सभी साथ मिलकर